हाय गाइज, माय नेम इज मदस्सिर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इन्फिनाइट। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से हम किसी लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडोज किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। हम एसएसडी के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने वाले हैं। एसएसडी जो कि बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें, तो एसएसडी में विंडोज हम इंस्टॉल करने वाले है। तो विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास जो भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है उसका आप बैकअप ले ले, चाहे कोई वीडियो हो, पीडीएफ फाइल हो, कोई फोटो हो, उसका आप सबसे पहले बैकअप ले ले। दूसरा पॉइंट, आपको अपना सिस्टम ओपन करना है और यहाँ दिस पीसी में आना है और यहाँ सी ड्राइव का साइज चेक करना है, जिसके आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 136 GB आ रहा है। इसका साइज आपको लिख के रखना है ताकि इसी के अंदर हम नया विंडोज जो है वो इंस्टॉल करने वाले है। तीसरा पॉइंट, आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको चार्जर कनेक्ट करके रखना है। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं विंडोज, तो सबसे पहले हम सिस्टम को ऑफ कर लेते हैं। मैंने ऑफ किया है। अब बूटेबल पेन ड्राइव को हमें यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है और सिस्टम को ऑन करना है। जैसे हमारा सिस्टम ऑन होगा, एस्केप की को कंटिन्यूसली प्रेस करना है तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें F9 प्रेस करना है, बूट डिवाइस ऑप्शंस। तो यहाँ हमें अपनी बूटेबल पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो सैनडिस्क है, थर्ड ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ सब कुछ एज इट इज रहने देना है और यहाँ हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ हमें कोई भी विंडोज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके मैंने प्रो किया है, ओके 64 बिट, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ टर्म्स एंड लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ कस्टम इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें वो वाला साइज सिलेक्ट करना है जो कि अभी हमने देखा है 136 या 7 था, इसी के आसपास था, उसको फॉर्मेट मारना है। यहाँ आप अच्छे से सिलेक्ट करना, तो आपको समझाने के लिए मैं इस पर दोबारा फॉर्मेट मार लेता हूँ। और इसी को हमें सिलेक्ट करके रखना है और नेक्स्ट पे अब क्लिक करना है। तो इसी के अंदर हम विंडोज डाल रहे हैं। अब इसके अंदर विंडोज जो है, विंडोज की फाइल्स जो है वो कॉपी हो जाना शुरू हो चुकी होगी। अब यहाँ ये कुछ टाइम लेगा दोस्तों, 10 मिनट भी ले सकता है, 20 मिनट भी, यहाँ तक कि आधा घंटा भी ले सकता है, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ हमें अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक भी जाएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ हमें यूनाइटेड स्टेट रहने देना है और यस पे क्लिक करना है। और यहाँ हमें यस इंग्लिश और इंडिया इस पर यस करना है। और यहाँ हमें स्किप पे क्लिक करना है। और यहाँ आई डू नॉट हैव इंटरनेट पे क्लिक करना है। और यहाँ कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करना है। अब यहाँ कंप्यूटर का कुछ नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आबिद दिया है। और नेक्स्ट पे अब यहाँ पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड, नेक्स्ट। अब यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैं फिलहाल डमी कुछ रख लेता हूँ। तो सिंपली मैं वन, नेक्स्ट यहाँ दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ सिंपली टू, नेक्स्ट। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन और थ्री यहाँ, नेक्स्ट। और यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ नॉट नो, अब यहां से हमारा सिस्टम डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। सिस्टम को ऑफ नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि यहां आप नीचे देख भी सकते हैं, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप चार्जर जो है इसको भी कनेक्ट करके रखिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो हमारा सिस्टम ओपन हो चुका है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो हम चेक भी कर लेते हैं दिस पीसी, हम वर्जन चेक कर लेते हैं, वर्जन वगैरह बाकी डिटेल्स जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लग चुका है, विंडोज प्रो। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोज अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।